वर्ब आपका पेपर अभी इवेल्युएट कर रहे हैं, वर्ब डेफिनेटली डू राइट अ नेम ओवर द टॉप, ऊपर तो अपना नाम डेफिनेटली लिखिए ताकि आसान रहे। क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 में हालिया संशोधन बहुत जरूरी था, विश्लेषण करें। ये क्वेश्चन है, आपने स्टार्ट किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर। सभी अभी तक विश्व संगठन ने कोई भी नियम नहीं लागू किया है, परंतु विश्व के कई देशों ने मेडिकल थिंग बनाया गया, जैसे ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, लिखा है, और कोशिश करिए कि जैसे आपने लिखा है WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, या यहाँ पे लिखा हुआ है अपने अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका लिख दीजिए, तो उनको अंडरलाइन करिए तो आपको अच्छे तरीके से लगेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन जो आपने दिया। भारत में गर्भनिरोधक विधि का उपकरण की सफलता के कारण भारत में एक महिला द्वारा 20 सप्ताह तक गर्भनिरोधक विधि का उपकरण की विफलता के मामले में प्राप्त करने के लिए भी बिल महिलाओं को ठीक अनुमति देता है 20 हफ्ते तक। अब लेकिन एक डॉक्टर की सलाह के बाद अनुमति मिल जाती है, मेडिकल बोर्ड, हाँ इसको अंडरलाइन करिए, जैसे मेडिकल बोर्ड हो गया, जब वहाँ पे 20 हफ्ते तक हो गया तो लेके ये करेगा कि जन्म के बाद गर्भावस्था भी पाल किया जा सकता है। वेरी गुड, ठीक है। प्रत्येक बोर्ड में एक स्त्री विशेषज्ञ, बाल विशेषज्ञ, ठीक है, वेरी गुड। गोपनीयता अंडरलाइन करिए इसको, चिकित्सा के वक्त महिला के प्रचार कर सकता है, इसलिए ठीक है, वेरी गुड, काफ़ी हद तक सही है। थोड़ा सा आपको एक चेंज करना पड़ेगा गौरव, इसमें जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिखी है, आप वहाँ पे लिखिए कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखना है, कि टेक्नोलॉजी की कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। काफ़ी बार पटिशन्स भी डाली गई हुई हैं कहाँ पे, कोर्ट में, कि 20 हफ्ते के बाद आपको अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, ख़त्म करना है, तो किया जा सकता है। प्लस एक एम्पावरमेंट हो चुकी है जिसकी वजह से आपको अब ज़रूरत आ चुकी है कि इसको अब टर्मिनेट किया जाए। इसके चलते हुए ही सरकार ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, आप इस तरीके से लिखिए, और फिर इसमें पूरा प्रोविज़न डालिए कैसे। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है कि 1971 में जो कमियां थी, 12 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह से, 12 से लेके 20 हफ्ते तक दो डॉक्टर की सलाह से, और 20 के बाद अलाउ नहीं करते थे। अब यही आपने इस कर लीजिए, इतने इस दोनों को मिला के ही एक डॉक्टर कर सकता है, 20 से लेके 24 हफ्ते तक दो डॉक्टर कर सकते हैं, और 24 हफ्ते के बाद मोर देन 24 वीक्स आपको फॉर एग्जांपल एक मेडिकल बोर्ड होगा जो आपको असिस्ट करेगा इसके करने के लिए। इस तरीके से लिखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, ये आपको अच्छा लिखा हुआ, लेकिन लिखिए इसका, जैसे आपको कुछ नेगेटिव बताया था, क्योंकि एनालाइज है, विश्लेषण करना है, हमें नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखने, लेकिन इस तरीके से लिखना है ताकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दीजिए। कैसे, फॉर एग्जांपल आप बोलिए कि जो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर है, उनका भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए। 20 और 24 हफ्ते के कंटेक्स्ट में जो जो विमेन्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से होइए, इस कंडीशन की वजह से विमेन इन्वॉल्व होती है, तो और आपका एनरिचमेंट आंसर हो जाएगा। इसको चलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ही अगर हम इसके ऊपर अपडेट किया जाएगा, तो चांस हो जाएगी सोसाइटी में काफ़ी हद तक ज़्यादा ये आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स ऐड करेंगे। प्रेजेंटली जितना आपने लिखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको कहूँगा कि कुछ अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 से लेकर 7.5 तक आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा और एनरिच कर दीजिए, कोशिश हम करते हैं कि इसको 10 नंबर तक लेके जाएँ, ताकि डेफिनेटली बढ़िया से सिलेक्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच।